एपिसोड के स्टार्ट में हम फूचेन को देखते हैं जो कल्टीवेशन करते हुए अपने घाव को ठीक कर रहा होता है। तब उसके पास काइकी आता है जो उससे कहता है, मैं मुरोंग के पास गया था, उसने कहा है जब तक हम तीनों चीजें हासिल ना कर ले तब तक वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। जिस पर फूचेन कहता है, तो ठीक है उसे कुछ और देर वहां रहने दो और तब तक के हम तीनों चीजें हासिल कर लेंगे, जिसके बाद उन्हें धक्के मारकर वहां से निकाल देंगे। ये सुनकर गायकी खुश हो जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद फूचेन दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू करता है ताकि उसके बचे हुए घाव ठीक हो जाए और उसकी एनर्जी दोबारा से रिस्टोर हो जाए। वहीं चीक्यू भी खड़ा होता है जो ये सारी चीजें देख रहा था और ये देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो फूचेन से लड़ने जाता है जहां इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। चीक्यू पूरे गुस्से के साथ फूचेन से लड़ रहा होता है, साथ ही फूचेन अभी घायल था जिस वजह से वो कमजोर दिखाई देने लगता है और फिर चीक्यू उसे मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपनी सॉर्ड से जैसे ही उसे मारने वाला होता है वहां पे मुरोंग आ जाता है जो चीक्यू को लात मारकर दूर फेंक देता है। फूचेन उससे कहता है, आखिर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ और तुमने मेरी जान क्यों बचाई, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई प्लान होगा इसलिए तुमने मेरी जान बचाई है। मुरोंग उससे कहता है, टॉम अटैकिंग ग्रुप तो मेरे बहुत पहले के दुश्मन है और मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई ताकि तुम कभी मेरे काम आ सको। लेकिन फूचेन उससे कहता है, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे पास इतना मौका था कि तुम आसानी से चीक्यू को मार सको, लेकिन तुमने उसे बस लात मारकर दूर फेंक दिया। ये सुनकर मुरोंग हंसते हुए उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा शातिर हो। मुरोंग कहता है, मैं ऐसे ही अनजाने में उसे नहीं मार सकता वरना मेरे ऊपर ही सारा इल्जाम लग जाएगा। जिस पर फूचेन कहता है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने तो उसे कोल्ड ब्लड से हिट किया है और हो सकता है इससे वो जल्दी मर भी जाएगा, और अगर वो मर गया तो इसमें तो तुम बुरे फंस जाओगे। मुरोंग उससे कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद मुरोंग वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो जंगल में अपने घोड़े के साथ कहीं जा रही होती है और तब वो पानी पीने के लिए एक जगह रुक जाती है। वहीं से गायकी भी गुजर रहा था जिसकी नजर लिन पे पड़ जाती है और वो जैसे ही उसे मारने उसके तरफ बढ़ता है लिन पीछे घूम जाती है, जहां उसकी शक्ल देखकर काइकी उसे पहली नजर में पसंद करने लगता है, जिसके बाद वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। लेकिन लिन उससे कहती है, तुम कौन हो और आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। काइकी उसे अपने बारे में बताता है, जिस पर लिन कहती है, तुम तो मुझे बहुत ही ज्यादा डरपोक आदमी लग रहे हो। साथ ही वो ये भी सोचने लगती है कि चीक्यू इन लोग का ही पीछा कर रहा था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो काइकी से कहती है, जब मैं यहाँ पानी पी रही थी तो मेरा हेयर पिन यहाँ पे गिर गया है, क्या तुम उसे ढूंढ दोगे। इसलिए काइकी पानी में उतर जाता है पर तभी पानी की वजह से लिन अपना डुप्लीकेट बना लेती है। ये देखकर काइकी एकदम ज्यादा ही हैरान हो जाता है, वो उससे कहती है, तुम तो इस जगह पे नए लगते हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ये देखकर काइकी एकदम ज्यादा ही घबरा जाता है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन लिन अपने कई सारे डुप्लीकेट बना लेती है। तब लिन उससे कहती है, दोबारा से मुझे घूरने की कोशिश की तब मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगी, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी वहां युकुन आ जाता है जो अपना भी डुप्लीकेट बना लेता है। ये देखकर काइकी एकदम ज्यादा घबरा जाता है और वो भागते हुए ये कहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इतना कहकर वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब काइकी फूचेन के पास आता है जहां फूचेन उससे कहते हैं, क्या तुम्हें चीक्यू कहीं दिखाई दिया। जिस पर काइकी कहता है, मैंने उसे नहीं देखा। वो उसे ये बताता है, मैंने दो लोगों को देखा जो अपने कई सारे डुप्लीकेट बना रहे थे। फूचेन उससे कहता है, इसे इंकिंग स्किल कहते हैं, यहाँ इंक टाउन के भी लोग हैं इसलिए हमारा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। मैंने चीक्यू पर कोल्ड ब्लड से अटैक कर दिया है, अब हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो शायद ही उससे जिंदा बच पाएगा, इसलिए हमें ड्रैगन मैप को लेने जाना है। जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं लिन ये सारी बात छुपकर सुन लेती है। तब वो युकुन को एक बांबू देकर कहती है, जब भी तुम्हें फेंगली और हान की जरूरत पड़े इसे बजा देना, वो जल्दी से यहाँ आ जाएंगे, तब तक मैं जाकर चीक्यू को ढूंढती हूँ। जिस पर युकुन हाँ में जवाब देता है। इधर लिन को आगे बढ़ते हुए चीक्यू दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तब वहाँ फेंगली और हान भी आ जाते हैं, जहाँ फेंगली चीक्यू को चेक करता है जिसके अंदर पॉइजन डाल दिया गया था। वो हान से कहता है, क्या तुम्हारे पास इसका एंटीडोट है। जिस पर हान उसे एक गोली देती है, इसलिए फेंगली चीक्यू को वो गोली खिला देता है।
तभी वहाँ एक सिपाही आता है जो फेंगलियो से कहता है, आपकी माँ को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर फेंगलियो एकदम हैरान हो जाता है। वो लिन से कहता है, शिक्यू को यहाँ से लेके चले जाओ। लेकिन शिक्यू फेंगलियो से कहता है, मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया है कि मैं टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लिए बगैर वापस घर नहीं जाऊंगा। साथ ही मुझे फूचेन को भी मारना है क्योंकि उसने ही मेरी माँ को मार दिया। जिस पर फेंगलियो शिक्यू को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।